पुस्तक विमोचन के अवसर पर पुस्तक की लेखिका डॉक्टर मालती सिंह जी, उनके सभी परिजन उपस्थित, दीपक ठाकुर जी, शमाइल अहमद जी, मंचासीन अतिथिगण, प्रतिष्ठित देवियों और सज्जनों, इस पुस्तक का विषय, पुस्तक का नाम अपने आप में मुझे व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अच्छा लगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से, जिस भूमि विशेष से हम आते हैं, जिस बिहार से आते हैं, उससे भी आत्मीय रूप से जुड़ी हुई है। आत्म अनुसंधान अर्थात अपने जीवन के विषय को जानना, मेरा अस्तित्व क्यों है, मेरे जीवन की सार्थकता किस प्रकार है, जो यात्रा चल रही है किस प्रकार चलनी चाहिए, कहीं दिग्भ्रमित तो नहीं, यही प्रश्न प्राचीन काल से मानव मस्तिष्क को उद्वेलित करते रहे हैं। मानव की अभिव्यक्ति की बात कीजिए तो सबसे प्राचीन काल में वैदिक परंपरा को हम देखते हैं। वैदिक परंपरा में सम्मिश्रण है, ज्ञान का भंडार हम कह सकते हैं, बट ज्ञान के भंडार में किस प्रकार की बातें पूरे भारत में हमारे पूर्वजों के मन में आई, उस पर यदि हम विवेचना करें तो हम पाएंगे, यदि ऋग्वेद की बात करें तो दोनों प्रकार की बातें आती हैं। एक तो इस प्रकार के आराधना की भी बातें आती हैं, जिसमें प्राकृतिक शक्तियों को भी देवीय रूप में हम पूजते हैं, युद्ध में जाना हो तो इंद्र की आराधना करते हैं, कोई उपलब्धि चाहिए तो ईश्वर को स्मरण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, इस रूप में करते हैं कि हमारे समक्ष आ जाएं, हमारे यज्ञ में पधारें। वहीं दूसरी ओर एक फिलॉसफी, एक दर्शन की बात भी देखते हैं, जब हम पाते हैं कि हमारा अस्तित्व क्यों है। जैसे ऋग्वेद में नासदीय सूक्त को ही अगर स्मरण करें, ना सदा सीन नो सदा सीत ना सी जो नो व्योमा परोयत किमा सीत कहनम गभीरम, जो क्या था, सृष्टि कहाँ से थी, उसमें जब उत्तर खोजते हैं इनिशियली पाते हैं कुछ था ही नहीं, जिसको आजकल बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, कहीं कुछ नहीं था, परे कुछ था ही नहीं, कामस्त दग्रे संवर्तथादि मनसोर्यतः प्रथमं यदासीत् सतो बंधुम सती निर्विंदन हृदि प्रतिष्ठा कवियो मनीषा। मतलब जब कुछ नहीं था तो उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति जब मानव के अभिव्यक्ति उस वैदिक काल में हम पाते हैं, जब कुछ नहीं था, कुछ परे था ही नहीं, तो उत्पत्ति जब होती है तो एक मन से निकली हुई इच्छा होती है, जो प्रथम बीज रूप में एक इच्छा निकलती है कुछ काम करने की, लेकिन इच्छा क्या थी, मूल क्या था, इसको जानने वाला कौन है। ऋग्वेद में कल्पना होती है कि जानने वाला तो कोई है ही नहीं, जब नास्तिक सूक्त में हम कहते हैं वो भी जानता है या नहीं जानता, जिसने इसको रचा उसमें कहता है हृदय प्रतिष्ठा कवियो मनीषा, जो कवि हृदय के व्यक्ति हैं, जो कूढ़ में झांक सकते हैं, ऐसे लोग ही उस तत्व का दर्शन कर पाते हैं जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई। सृष्टि तो पहले कुछ थी ही नहीं, लेकिन उस तत्व को कैसे जान पाते हैं। उस ऋग्वेद के प्राचीन नास्तीय सूक्त में कहता है हृदय प्रतिष्ठा कवियो मनीषा, वैसे मनीषी लोग, वैसे कवि लोग, जिनके मन में उस प्रकार की सोच हो, वे ही उसके उस तत्व तक पहुँचते हैं। यदि जीवन की सार्थकता देखें तो ऋग्वेद को पढ़ते हैं, बाकी वेदों को पढ़ते हैं, उसमें सम्मिश्रण है, लेकिन उस वैदिक परंपरा का उत्कर्ष कहाँ होता है। उत्कर्ष जब हम देखते हैं वेदांत में तो उसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। जैसे चार महावाक्य भी जब हम बोलते हैं, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, प्रारंभ में है कि भाई आप खोज रहे हैं कि कौन है, क्या है, किसने उत्पन्न किया, लेकिन जब वेदांत की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि तो उसको कन्फ्यूजन है ही नहीं। ईसावास्य उपनिषद पढ़िए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, जो पूर्ण था पूर्ण है पूर्ण में विलीन हो जाता है। ईसावास्यमिदं सर्वं यत्किंचम जगत्याम जगत्येन तक्तेन भुंजिता माग्रदः कस्य सिद्धनम्। क्या कहते हैं, ईश्वर तो हर तत्व में विद्यमान है, किस स्वार्थ के लिए तुम घूमते हो, किस स्वार्थ की सिद्धि में प्रयासरत रहते हो, सोचते हो। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरण्यम पिपलम स्वाद्यतम शरण्यन्यो अभिचाक्षिति। एक व्यक्ति, उसके दो प्रकार के मन हैं, एक ही वृक्ष पर जिस प्रकार दो
पक्षी बैठे हों, अविभाज्य वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हों, एक पक्षी सभी फलों को खाता है, ग्रहण करता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार मानव अपने जीवन में सुख दुख दोनों को भोगता है, लेकिन उसी वृक्ष पर बैठा एक दूसरा पक्षी केवल देखता रहता है उस पक्षी को जो ग्रहण कर रहा है। यदि एक व्यक्ति को देखें तो जिस बात की कवि नासदीय सूक्त में कल्पना हुई, उस परम तत्व की जिसने सृष्टि की रचना की, हर जगह विद्यमान है। लेकिन हम जब एक भ्रम की स्थिति में रहते हैं तो सुख और दुख को अनुभव करते हैं, और वही अंतर मन हमेशा सचेत करता है सही क्या है गलत क्या है। यदि अंतर मन की बात सुनेंगे हम कभी दिग्भ्रमित नहीं होंगे। आत्मअनुसंधान क्या है? उसी अंतर मन को जानना, जिसको कभी ऋग्वेद में ऋषि ने कहा कि मन उसी से पूरी सृष्टि की रचना हुई, उसको पहचानता कौन है, उसको जानता कौन है? कवि और मनीषी, हृदय प्रतिष्ठा, हृदय में स्थित उस तत्व को जानने वाला या तो कवि है मनीषी है। उस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो जीवन की सार्थकता क्या है? दर्शन का जन्म वेदांत के बाद बिहार में, यदि हम देखें बौद्ध धर्म के दर्शन में, हम पाते हैं ज्योति क्या है। एक व्यक्ति का जीवन एक ज्योति के प्रकार है, जो जलती है, जब बुझती है तो उसका दायित्व है अगली ज्योति को जागृत कर देना। उसी प्रकार से हर युग में लोग आते गए इस बिहार की भूमि पर, और दर्शन की बात अभी दीपक ठाकुर जी बता रहे थे, गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद, उसी वेदांत में हम बहुत सारी कहानियाँ उस प्रकार की पढ़ते हैं, देखते हैं, उस प्रकार का स्मरण करते हैं। और जब स्वामी सदाशिव भारती जी के बारे में पुस्तक भी पढ़ रहा था, आने से पहले विवरण भी पढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं उसी प्राचीन परंपरा के वाहक हैं, जिसके वाहक कभी अष्टावक्र और याज्ञवल्क जैसे महर्षि थे। आज के युग में उनकी पुस्तक उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही। तो इस अवसर पर बहुत प्रसन्नता के साथ कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक ग्रंथ के रूप में देने के लिए आदरणीय डॉक्टर मालती सिंह जी ने बहुत परिश्रम किया। मैं चाहता हूँ निश्चित लोग उसी प्रकार लाभान्वित हों जैसे प्राचीन महर्षियों के ज्ञान से आज तक हम लाभान्वित होते हैं। बात आत्मअनुसंधान की हो रही है तो अंत भी एक कथा से ही करना चाहूँगा। कथा भी चूँकि दीपक जी ने राज जनक का स्मरण किया है तो उनसे संबंधित एक कथा का ही स्मरण करते हुए इस आत्मअनुसंधान पुस्तक के विमोचन पर शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एक प्राचीन कथा उस समय की आती है जब महाराज जनक सभा में जाने वाले थे। सभा में जाने का समय तय था और लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, महाराज अपने उद्यान में बैठे थे। इसी क्रम में महाराज चिंतनरत हो गए, कुछ विषयों पर चिंतन करने लगे कि अचानक उन्होंने देखा कि सभी उनके सेनापति मंत्री बड़ी तीव्र गति से उनकी ओर आ रहे हैं और बड़े चिंतित। उनको चिंतित देख राजा जनक भी बड़े विचलित हो गए। तत्वदर्शी राजा थे, दिन भर तत्वों पर विचार करते थे, बड़ी शांति की अवस्था में शासन चल रहा था। अचानक क्या हुआ कि सभी बड़े विचलित मुद्रा में उनकी ओर आ रहे हैं। इतना देखते ही कि तभी सेनापति ने कहा कि राजन आक्रमण हो गया है, शत्रु सेना अचानक महल तक आ चुकी है, यदि बचना है तो युद्ध के अलावा कोई उपाय नहीं है। सोचते हुए तुरंत जो भी अस्त्र शस्त्र उनको समक्ष प्रस्तुत हो सके, क्षत्रिय वेश धारण करते हुए युद्ध में संलग्न हो गए। काफ़ी भीषण युद्ध हुआ, शत्रु तो समीप आ ही चुका था, लेकिन देखा उन्होंने कि एक एक करके सभी सैनिक भी क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं और सेनापति तक हताहत हो चुके हैं। बारी उनकी थी, बंदी बना लिए गए, बड़े गंभीर रूप से चोटिल भी हो चुके थे। शत्रु ने राज्य से निष्कासित कर दिया। राजा जनक अभी तक कुछ समय पहले तक राज्यसभा में जाने के लिए तैयार थे, अचानक युद्ध हुआ और इतना परिवर्तन, जिसमें चोटिल भी हो चुके हों, भूखे भी थे, भोजन की भी ग्रहण करने की उनकी इच्छा हुई, उस अवस्था में राज्य से बाहर जाना था। चलते रहे, काफ़ी देर चलने के बाद मिथिला की सीमा पर उन्होंने देखा कि एक जगह अन्न बट रहा था। तो अन्न को ग्रहण करने के लिए जब उस पंक्ति में लगे तो धीरे धीरे पंक्ति जब खत्म हुई, जब पहुंचे तो जहां अन्न बट रहा था उसमें बहुत कम ही अन्न बचा था, कुछ ही कण बचे थे। उन कणों को भी उनको एक पात्र में प्रस्तुत किया गया,
लेकर थोड़ी दूर आए, इच्छा हुई कि ग्रहण करें, तभी ऊपर से कोई पक्षी अचानक लपकता हुआ आया, उसने पात्र को नष्ट कर दिया। अब जनक इतने विचलित हो चुके थे, राज्य भी गया, राज्य से बाहर भी चले गए और भोजन पर भी ग्रहण लग गया। क्या हो गया, ऐसी मैंने क्या त्रुटि कर दी, ऐसा कैसे हो सकता है, अपने शरीर की पीड़ा को भी अनुभव कर रहे थे। उसी अवस्था में किसी ने जब पीछे से थपथपाया और कहा कि राजन कहाँ खो गए, सभा में जाने का तो अभी समय, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें तब एहसास हुआ कि जो चल रहा था इतने समय से, जो अनुभूति मुझे हो रही थी, जो पीड़ा हो रही थी, ये सब तो शायद थी नहीं, ये तो स्वप्न था, मैं तो स्वप्न देख रहा था। तब इतने विचलित हुए, जो आत्म अनुसंधान जिसकी बात हम लोग करते हैं, एक सम्राट के मन में भी जिज्ञासा हुई, ये सच या वो सच। यदि स्वप्न में जो मैं अनुभव कर रहा था इतना सत्य लग रहा था, इतना सत्य प्रतीत हो रहा था, तो जो समक्ष हो रहा है इसमें सच क्या है, हो सकता है यही एक स्वप्न हो। तो बड़े पीड़ित हुए, बड़े विचलित हुए, क्योंकि जानना चाहते थे कि सच क्या है। उस समय जो अनुभूति हो रही थी वह सच थी, या जो अभी जो अनुभूति हो रही है वह सच है। इस अवस्था में अनेक दिवसों तक राजा जनक ने भोजन भी ग्रहण नहीं किया, जो मिलता उसे यही पूछते, ये सच या वो सच। इसी बीच अष्टावक्र मुनि, उनका आगमन हुआ, सबने उनको बताया क्या समस्या है, और समस्या सुनकर अष्टावक्र भी, उन्होंने तुरंत समझा, योगी दृष्टि के थे, उन्होंने समझा कि भाई बात क्या है। जनक के समक्ष गए तो जनक ने उनसे भी पूछा, ये सच या वो सच। तो अष्टावक्र जी ने कहा, जनक न ये सच न वो सच, तुम ही हो सच। सुनने में न ये सच न वो सच, तुम ही हो सच, तात्पर्य क्या था? जैसे हम लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आपको लगता होगा बिल्कुल ऐसा ही जो समक्ष हो रहा है ऐसा ही है। जब हम सोए रहते हैं, विचार शून्यता की स्थिति में रहते हैं, तब तो कोई विचार रहता ही नहीं, पता नहीं हम लोग कहाँ रहते हैं। लेकिन सत्य क्या है, जिसमें स्वप्न में रहते हैं, स्वप्न की अवस्था में, सुसुप्तावस्था में है लेकिन विचार हैं, उस समय जो हम कर रहे होते हैं उसमें लगता है यही सच है। लेकिन यदि इस पर चिंतन करें, जिस बात की नासदीय सूक्त में बात कही गई, मनीषी व्यक्ति क्या कहता है, उसमें जितने भी स्टेट्स हैं, इधर यू आर अ स्लीपर, यू आर अ ड्रीमर और यू आर अवेक, इन सभी स्टेट्स में जो अनुभव कर रहा है व्यक्ति, वो तो एक ही है, आप हैं। आप किस रूप में अनुभव कर रहे हैं, उसी को, उस हिडन स्टेट को मांडुक्य उपनिषद में कहा गया तुर्यम, चतुर्य स्टेट, द फोर्थ स्टेट विच इज विद इन ऑल दी स्टेट्स। चाहे आप जगे हों, चाहे आप सोए हों, चाहे आप स्वप्न की अवस्था में हों, लेकिन एक स्टेट है जो सब में कॉमन है, वो स्टेट इन तीनों में नहीं है, लेकिन वो स्टेट चतुर्थ है, इसीलिए उसको शब्द दिया गया तुर्यम। और तुर्यम शब्द क्या है, उसी मन की अंतर ज्योति है जिसकी कल्पना कभी नास्तीय सूक्त में कही गई, जिसको कभी द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया में दूसरे उस अंतर्मन के रूप में हमने देखा। और आत्म अनुसंधान हर जीवन के व्यक्ति के जीवन का ध्येय है, क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, उस तत्व को नहीं जानेंगे, और तत्व को कैसे जानेंगे, उस पर कहीं ना कहीं गुरु की भूमिका होती है, एक मार्गदर्शक की भूमिका होती है, जो उस अग्नि को प्रज्वलित करता है। जो अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर जाती है, व्यक्ति स्वयं को जानने लगता है। और जो स्वयं को जानता है, जीवन में सार्थकता तो तभी आएगी। यदि व्यक्ति स्वयं को नहीं जाने, सदैव दिग्भ्रमित रहेगा। जिस तुर्यम की बात हुई, जिस तत्व की बात हुई, उस प्रकार समझें कि जैसे माला लोग पहनते हैं, अनेक पुष्प उसमें गुथे होते हैं, अनेक मोतियाँ गुथी होती हैं, वो बाहर से दिखती हैं, लेकिन उसके अंदर एक धागा जो चला आ रहा है दिखता नहीं है। लेकिन यदि धागा न रहे तो माला का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार से जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, स्लीपिंग, वेकिंग, ड्रीमिंग, जिस भी स्टेट में हम हैं, अंदर जो तत्व है, वही तत्व, वह तत्व है जिसको जानने के लिए समय समय पर वैसे मनीषी लोग उत्पन्न होते हैं, समाज को मार्गदर्शन देते हैं। स्वामी सदाशिव भारती जी भी वैसे ही एक मनीषी थे, जो उस प्राचीन वैदिक प्रेरणा से उसकी कड़ी में उस रूप में आगे बढ़ रहे थे कि इस भूमि से हैं जिसने कभी वेदांत को जन्म दिया। और वेदांत को जब जन्म दिया तो परंपरा चलती रही, बौद्ध धर्म का दर्शन आया, जैन धर्म का दर्शन आया, अनेक तत्व आए, सिद्धांत आए, आजीविकों के सिद्धांत को हमने जहानाबाद में होते देखा, अनेक चीज़ें चलती रहीं। लेकिन परंपरा रुकनी नहीं चाहिए, परंपरा हर युग में बढ़ती चाहिए, अभिवृद्धि होनी चाहिए। उस रूप में निश्चित ही पुस्तक का लेखन अपने आप में एक प्रेरणा है,
क्योंकि आसान नहीं रहा होगा संकलित संकलन करना, उसको उस रूप में प्रस्तुत करना कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करे। तो इसके लिए निश्चित ही डॉक्टर मालती सिंह जी कोटिशा बधाई की पात्र हैं, और मैं अपनी तरफ से भी इस पुस्तक की सफलता के लिए सभी को उस रूप में प्रेरित करे हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विकास वैभव सर, आईपीएस और गृह विभाग के विशेष सचिव। और हम सभी जानते ही हैं कि लेट्स इंस्पायर बिहार के जनक एक अभियान, ये भी इसी बात की ओर प्रेरित करते हैं हमें और आने वाले बिहार के आने वाली युवा पीढ़ी को कि अपनी जड़ों से हम कनेक्ट हों, जुड़ें, अपने संस्कारों के तरफ हम बढ़ें, आधुनिकता के साथ साथ अपनी जो सभ्यता संस्कृति है, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो शास्त्र है, वेद वेदांत है, इनकी जो खूबसूरती है, इनके इनका जो उपदेश है, इनकी जो सही मायने में शिक्षा है, उसको हम अपने जीवन में उतारें और अपने कार्यक्षेत्र में उतारें। और आज इस सभागार में ऐसा महसूस हो रहा है हम सभी को कि आदरणीय विकास वैभव सर का अभियान, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। और आज की जो लोकार्पित पुस्तक है आत्मानुसंधान, ये दोनों कहीं ना कहीं से हम सभी को एक ही दिशा की ओर प्रेरित करती है, हमें उस तरफ जाने के लिए प्रेरणा देती है कि हम अपनी आत्मा का अनुसंधान करें, अपने अंदर की गुण को, अपने अंदर की चीज़ों को खोजें, उस ओर प्रवृत्त हों, न कि पाश्चात्य सभ्यता की ओर प्रवहमान हो जाएं। तो मैं पुनः पुनः आदरणीय विकास वैभव सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ आपको। आप इतने व्यस्त रह करके इतना कीमती समय आप हमें देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।